हेलो फ्रेंड्स, आई एम कांचन। नोमिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम करके मिक्स दाल के और चावल के क्रिस्पी से आप पे यहाँ पे आप सुन सकते हो हमारे आप पे कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से सॉफ्ट भी। आप इसे सुबह टिफिन में बच्चों को दे सकते हो या फिर ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हो। वीडियो लास्ट तक देखिए। चलो तो फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। दो कप लिए थे चावल, उसके साथ लिया है उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, तुअर दाल, अक्खे वाली मूंग और अक्खे वाली मोटकी दाल। इसे अच्छी तरह से हम वॉश करेंगे और पानी में डाल के 7 से 8 घंटों के लिए इसे भिगो के रखने वाले हैं। सुबह इसका सब पानी निकाल लेंगे, वॉश कर लेंगे और मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। उसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। इसमें डाला है राई और जीरे का एक तड़का। उसके साथ मैं यूज़ करने वाली हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन की पेस्ट और बारीक कटा हुआ धनिया। आपे के मिश्रण में डालने वाली हूँ टमाटर, अदरक लहसुन की पेस्ट, हरी मिर्च की पेस्ट, उसके साथ प्याज और धनिया। आप चाहे तो वेजिटेबल्स भी डाल सकते हो, बारीक काट के डालना है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालने वाली हूँ खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। थोड़ा सा डालना है, आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 1 चुटकी डाला है। इस थोड़ा सा पानी सोडा एक्टिवेट होने के लिए मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैटर परफेक्ट सा रेडी हो चुका है। अपे पैन गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें डाला था ऑयल। ऑयल गर्म हुआ है, अब इसमें जाएगा हमारा मिश्रण। इसमें रखने वाली हूँ लीड और अपे को एक साइड से मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी 4 से 5 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है। स्लो गैस पर आप कुक करोगे ना तो अंदर से हमारे अपे अच्छी तरह से कुक जाएंगे, फूल भी जाएंगे और ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे। एक साइड से जो हमारे अप्पे अच्छी तरह से कुक हो गए, आप यहाँ पे देख सकते हो जो ऊपर का बैटर है अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। इसी तरह से हम एक साइड से उसे पका लेना है। हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी स्लो गैस पे इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए ढक के पकाने वाले हैं। दोनों साइड से जो हमारे अप्पे हैं अच्छी तरह से क्रिस्पी बने हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। हम इसे निकाल लेंगे और प्लेटिंग कर लेंगे। क्रिस्पी से अप्पे हमारे खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। उसके साथ शेंगदाने की चटनी या फिर इमली की चटनी आप खा सकते हो। आप रेसिपी घर पे जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो किसी भी कारण से अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नो मिस किचन।